और राजनीति आले और राजनीति ना करो, भोले भाले इसे अन्नदाता पे वो कट्ठे हो के लड़ना पड़ेगा, लड़ लियो वो भूल के न जाते और पता ने वो कलम शिवा च मर दे दम तक अड़ेगा गोरखपुर गाम दिल्ली ए। ओ हथ लेने आ रहा से किसान दिल्ली ए, वो लेवना तुम्हारा इम्तिहान दिल्ली ए। ओ ठंड में पड़े सा दिन होलिए कई, ओ करवा लेगी बड़ा नुकसान दिल्ली ए। ओ डीआर आलो बैठ के न सोचियो, ओ डिनर करो जद फैमिली के साथ में, ओ तारा रे पेट भरण खातर कल्ले जाजा पानी लावा हम रात न। साथियों मैं राम प्रकाश और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया गांव की गूंज दिल्ली तक। आज यहां पर जिला हिसार में सिरसा नेशनल हाईवे को युवाओं ने किसानों के समर्थन में बंद कर दिया, आप देख सकते हैं, और दूर दूर तक लंबा जाम जो है यहां लग चुका है, ये आप देख सकते हैं साथियों। किसानों के समर्थन में युवाओं ने यहां नेशनल हाईवे सिरसा रोड को जाम कर दिया है, और जो सरकार ने तीन कानून जो अध्यादेश जो किसानों के खिलाफ लेकर आई है, जो दिल्ली में लगातार 11 दिन से जो किसान जो है धरने पर बैठे हैं, उनके समर्थन में गांव ढंडूर के पास में सिरसा नेशनल हाईवे 9 पर युवाओं ने जो है धरना लगा दिया, नेशनल हाईवे के ऊपर ही बैठ गए हैं और हाईवे को जाम कर दिया। आप देख सकते हैं दूर दूर तक लंबी लंबी लाइनें जो यहाँ लग चुकी हैं। संघर्ष समिति के बैनर तले हुए साथ ही शहीद भगत सिंह नौजवान सभा ढंडूर की तरफ से जो है नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं युवाओं में कहीं ना कहीं भारी रोष है सरकार के खिलाफ, और युवा जो है सड़क पर बैठ गए हैं, नेशनल हाईवे को कहीं ना कहीं जाम करते दिख रहे हैं। ये आप देख सकते हैं साथियों, ये ट्रैक्टर को यहाँ लगा दिया है रोड के बीचों बीच, और दोनों तरफ की जो लाइन है बिल्कुल बंद कर दी गई है युवा साथियों की तरफ से। कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ इनमें भारी रोष है। भगत सिंह तेरी सोच पे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद। कल भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे। कल भी वो हारे थे, आज भी वो हारेंगे। कल भी हम जीतेंगे। तो यहाँ पर जनवादी नौजवान सभा की तरफ से समर्थन में आए किसानों के भाई मुकेश कुमार जी से हम बात करेंगे, भी जो यहाँ पर ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जो किसानों की जो हालत है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे, ये क्या कहना चाहते हैं और क्या संदेश जो है सरकार को देना चाहेंगे। हाँ जी मुकेश भाई साहब बोलिए। सबसे पहले तो हम पूरे ढंडूर गांव और आसपास के गांवों की तरफ से आज भारत बंद का इस नेशनल हाईवे को जाम करके दिल के गहराई से किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं, और दूसरा वास्तव में जिस प्रकार से खेती का जो संकट बढ़ रहा है, रोजगार का संकट बढ़ रहा है, उसी प्रकार से देश में एक जन आंदोलन का एक उभार जनता इकट्ठा करके ले रही है, उससे जो आज किसानी के ऊपर असर पड़ रहा है, चाहे वो
नौजवान है, मजदूर है, किसान है, जब भी वो इकट्ठा होकर के आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो नौजवान है, किसान है, आज मोदी सरकार उनके ऊपर बड़ा हमला कर रही है। तो जो इस प्रकार से 26 नवंबर से सर दिल्ली में जो अभी बैठे हुए हैं वहाँ पर 11 दिन से, तो उसके बारे में आप क्या कहने जाएंगे सरकार के खिलाफ, और सरकार को क्या संदेश आप देना चाहते हैं कि भाई 11 दिन से जो किसान है वहाँ धरने पर बैठे हैं उनकी सुनवाई क्यों नहीं की जा रही है? देखिए, ये जो सरकार है, मोदी की सरकार है, ये कॉरपोरेट परस्त सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, इसलिए सरकार जो है पूंजीपतियों के हक में कानून पास कर रही है जिससे खेती उजड़ जाएगी, किसान मजदूर जो है वो उजड़ जाएगा। जिस प्रकार से अंग्रेज जो है नील की खेती करवाते थे, उसी प्रकार से जो भारी कंपनियां आके न इन कानूनों बिल पास होने की वजह से उनके ऊपर अपनी मनमर्जी की खेती करवाएंगे। इसलिए आज किसान अपने हकों के सवाल को लेके, मजदूर अपने हकों के सवाल को लेके, नौजवान अपने हकों के सवाल को लेके संघर्ष कर रहे हैं, और जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक कृषि कानून वापस नहीं लेती सरकार। हाँ जी सर, मेरा नाम नरेंद्र सिंह है और मैं DYFI का जिला कमेटी सदस्य हूँ। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, देखो जब भी है ना कोई किसान की अगर बात आती है, जब कोई बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जब एक सुई भी कोई बनाता है ना, तो उसका एक निर्धारित होता है भाई, इसका फिक्स रेट है भाई, हमने 2 रुपये में बेचनी है। चाहे एक फोन भी बनाया, उसका भी फिक्स रेट है कि हमने इतने में बेचना है। लेकिन किसान की एक फसल ऐसी है जो कि आज तक उसका कोई फिक्स रेट नहीं है। लेकिन आप फिक्स जो रेट की बात कर रहे हैं, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आज तक हमारे भारत देश में कोई फिक्स रेट नहीं है। लोग जो पूंजीपति लोग अपनी मनमर्जी से रेट जो निर्धारित करते हैं और मनमर्जी से लोगों से वसूल करते हैं, लेकिन उसके खिलाफ जो है सरकार, हमें लगता है कि कोई उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं करती है, और किसानों के ऊपर आए दिन मतलब आप कहना चाहते हैं कि नए नए कानून ठोक रही है, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ। तो 11 दिन से जो किसान जो दिल्ली में बैठे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इस कानून को वापस लिया जाए, तीनों काले कानूनों का, और किसानों की ये तीनों मांगे माने जाएँ, और नहीं तो ये फिर आंदोलन आगे तक जाएगा। अभी जो किसानों की मीटिंग जो है कल बुला रखी है सरकार ने 9 तारीख को, लेकिन मीटिंग तक तो उन्हें मतलब अभी उनको रुकना चाहिए था इस आंदोलन को जो उग्र करने के लिए, मतलब कहीं ना कहीं एक दिन का और उन्हें सरकार की मांग को मान लेना चाहिए था किसानों को, क्या आपको नहीं लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि किसान कि सरकार ने आज तक भी कोई भी अपने जो भी कानून लागू किया आज तक वापस तो लिए नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ा आंदोलन है किसानों का, जो कि अब सरकार को झुकना पड़ेगा, नहीं तो किसान अपनी मनमानी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इस समय बढ़ चढ़ के हम भी रोल अदा करेंगे अपना। जी लंबी लंबी लाइनें जो है यहाँ नेशनल हाईवे पर लग चुकी है साथियों, और लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं लोग जो है मजबूर और बेबस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे लंबी कतारें जो है लग चुकी हैं सरसा नेशनल हाईवे दिल्ली को जोड़ता हुआ, और युवाओं ने यहाँ पर जो है बंद कर दिया है, एम्बुलेंस वगैरह को तो जाने दिया जा रहा है आप देख सकते हैं साथियों, और जो ज़्यादा ज़रूरी किसी को कार्य है तो वो जा सकते हैं, और एम्बुलेंस को किसी प्रकार से यहाँ नहीं रोका गया है नेशनल हाईवे के ऊपर, आप देख सकते हैं साथियों। जो ट्राला है जो यहाँ हाईवे नेशनल हाईवे में जो कहीं ना कहीं युवाओं के आक्रोश का जो है ये कारण बना और यहाँ फंस चुका है, इनसे भी बातचीत करेंगे भी क्या ये किसानों के समर्थन में है और क्या कहना चाहेंगे किसानों के बारे में। हाँ जी वीर जी, तुम की कहना चाहते हो किसानों बारे? भाई जी, असी तो किसानों के पूरा नाल है, मोदी सरकार जो भी करती बहुत गलत करती है, ठीक है जी। किसान हूँ इन्ने परेशान, जनता परेशान, सिर्फ मोदी करके परेशान है जी, ठीक है। मोदी नूं चाहिए काले कानून वापस लवे आपदे जल्दी तो जल्दी, जो किसानों का मसला हल करे तो सारे नूं सही राह ते पावे जी, बस यही कहना चाहना जी। राम राम जी भाई सारे ने, मैं आपका कैलम शिवाच भाई, आप तो भाई किसान आंदोलन चल रहा है, जो मैं भी किसान का बेटा हूँ भाई, हम भी खेती करा, तो भाई सरकार ने समझना चाहिए, देखना चाहिए भाई के कितना दुखी कर रही है हमने। तो मैं तो दो बात कहना चाहूँगा भाई सरकार ने गाने का उसते ओ हथ लेने आ रहा से किसान दिल्ली है, ओ लेवना तुम्हारा इम्तिहान दिल्ली है, ओ ठंड में पड़े सा दिन होली है कई, ओ करवा लेगी बड़ा नुकसान दिल्ली है, ओ हक लेने आ रहा से किसान दिल्ली है, ओ लेवना तुम्हारा इम्तिहान दिल्ली है। एक भाई मीडिया वाले
तरत नहीं, जो नेशनल मीडिया है जो कुछ भी दिखाने नहीं लग रही किसाना का बिकाऊ हो रहा, जो उन तक कहूँगा वो मीडिया रे आड़े बैठ के न सोचियो और डिनर करो जब फैमिली के साथ में, वो तारा रे पेट भरण खातर कल्ले जा पानी लावा हम रात न, वो खान जोगे दाने जे बोन लागे हम, ओ कड़ते खावेगी फिर नान दिल्ली है, ओ हक लेने आ रहा से किसान दिल्ली है, ओ लेवे ना तुम्हारा इम्तिहान दिल्ली है, ओ हक लेने आ रहा से किसान दिल्ली है, क्यों लेन पे तुली से मारी जान दिल्ली है, ओ राजनीति आले ओ राजनीति ना करो, बोले बाले इसे अन्नदाता पे, ओ कट्ठे हो के लड़ना पड़ेगा लड़ लियो, ओ भूल के न जाते और पता न, ओ कलम शिवा च मर दे दम तक, अड़ेगा गोरखपुर गाम दिल्ली है, ओ हक लेने आ रहा से किसान दिल्ली है, ओ लेवे ना तुम्हारा इम्तिहान दिल्ली है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो भाई यो गाना रिकॉर्ड करके ही बापा हम तिकरी बॉर्डर जाने लग रहे हैं, थोड़ा पूरा जमला थमला अपना लाइव भी है, और इस गाना के लौटे किसान भाइयों का उत्साहवर्धन करांगे, सारा कुछ करांगे, और पहला भी अपनी रात शाम गरी ओडे चालन लग रही हम भाई, बहुत दिन तो ओडे थे पहला, और आज फिर गाना रिकॉर्ड करके ले गया ही, जो गाना ओडे टिकरी बॉर्डर पर चाल लगा बॉर्डर जाने लग रहे हैं। बहुत बढ़िया किसान, आप देख रहे हैं लोकल इंडिया गाँव की सोच दिल्ली तक।